का मेरे YouTube चैनल पर कैसे हो आप सारे के सारे। आज मैं आप सभी के बीच में ये छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ जो है दिवाली स्पेशल आप सभी के लिए। ये खेतेश्वर ट्रैवल्स की डिलीवरी मैं आप सभी को दिवाली पर गिफ्ट देना चाहता हूँ जो है बिना पासवर्ड। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा जिसमें कोई भी तरह का पासवर्ड नहीं लगाया जाएगा। और दूसरा, इस वीडियो में दो चीज़ें मिलने वाली है। एक तो ये खेतेश्वर ट्रैवल्स की डिलीवरी जो मिलने वाली है ये आपको मिलेगी इलियट बस पर ऐड होगी। ओनली फॉर इस बस का नाम है इलियट बस मोड, जो काफ़ी टाइम पहले रिलीज किया गया था EVL गेमिंग के लिए। रिलीज हुआ था, जब रिलीज हुआ था तब मैंने वीडियो बनाया था रिव्यू करने के लिए कैसे डाउनलोड करते हैं। और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें सब कुछ बताया हुआ है कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। और उसी बस पर, इलियट बस पर आप सभी के बीच में ये खेतेश्वर ट्रैवल्स की डिलीवरी आप सभी के लिए दिवाली स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ, जिसका पासवर्ड कुछ भी नहीं है। आपको डाउनलोड करने के बाद आपके गैलरी में डायरेक्ट फोटो ऐड हो जाएगा, ठीक है। कैसी लग रही है डिलीवरी कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ आपको मिलने वाली है इस वीडियो में जो है स्पीड ब्रेकर, आप सभी को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं स्पीड ब्रेकर और गेम में ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो ये आपको स्पीड ब्रेकर जो नज़र आ रहा है ये कौन से मैप्स में आपको मिलेगा और कहाँ से डाउनलोड करना होगा और किस तरीके से आप इस स्पीड ब्रेकर मोड को गेम में ऐड कर पाओगे, ये सारा प्रोसेस आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तब आपको सारा प्रोसेस समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो में बताए गए सारे स्टेप्स ध्यान से फॉलो कीजिए और इस स्पीड ब्रेकर मोड को अपने गेम में ऐड कीजिए, ठीक है। स्पीड ब्रेकर मोड ऐड करने के बाद कौन सा मैप्स अगर आप चुनेंगे तो उसमें आपको स्पीड ब्रेकर मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। वीडियो पूरा देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। स्पीड ब्रेकर और पुलिस बैरिकेड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, मैप मोड हो या कोई भी चीज़ हो, शेयर मोड वेबसाइट से इस तरीके से डाउनलोड करते हैं। ये मोड आपको डाउनलोड करना है तो मतलब मैं इस वीडियो में जो स्टेप बता रहा हूँ वो फॉलो कीजिए। क्या करना है आपको, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक वेबसाइट ओपन होगा, शेयर मोड वेबसाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट डाउनलोड लिंक, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एडवर्टाइज आएगी। जितनी बार भी ऐड आती है आप बैक करते जाइए और कुछ नहीं है, जितनी बार भी ऐड आती है आप बैक करते जाइए, आपका डाउनलोड प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक पूरा होता जाएगा, ठीक है। देखिए दो तीन बार ऐड आ गई है, मैंने बैक कर दिया, अब नीचे आ रहा है स्टार्ट डाउनलोड लिंक। पहले क्रिएट डाउनलोड लिंक आया था, उसके बाद में ऐड आई, मैंने बैक किया, फिर आया स्टार्ट डाउनलोड लिंक, ठीक है ना। यहाँ पर आ रहा है स्टार्ट डाउनलोड, तो यहाँ पर क्लिक करते ही ना मेरा जो है ये मैप मोड है या कोई भी चीज़ है इस तरीके से डाउनलोड करना है। आपको क्या करना है, जितनी बार भी ऐड आती है आप बैक करते जाइए और कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। बहुत सारे दोस्त मतलब डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, ऐड आती है फिर भाग जाते हैं, बोले यार डाउनलोड नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल होता है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर पासवर्ड कहीं पर लगा हुआ होता है तो वो यहाँ पासवर्ड लगाने का बोलता है, तो वीडियो में जो पासवर्ड बताया हुआ होता है वो लगा देना चाहिए, और पासवर्ड नहीं होता है तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि फाइल दोबारा डाउनलोड करें, नहीं मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करना चाहता हूँ, मैंने डाउनलोड कर लिया, आपके बताने के लिए ये वीडियो बनाया, ठीक है। तो दोस्तों आपने स्पीड ब्रेकर तो दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिए कि स्पीड ब्रेकर वाली जो आपने फाइल डाउनलोड की है शेयर मोड वेबसाइट से, उसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपसे ये ZHR एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अगर आपके पास है तो इसे ओपन कीजिए, ठीक है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि हमें जाना है डाउनलोड फोल्डर में, ठीक है। डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद हमने जो फाइल डाउनलोड करके रखी है शेयर मोड वेबसाइट से, अभी हमने स्पीड ब्रेकर की फाइल जो डाउनलोड की है उसको हमें एक्सट्रायर कर लेना है। ये आपको फाइल दिखाई दे रही है, स्पीड ब्रेकर मोड की ये फाइल है, इसे हमें एक्सट्रायर कर लेना है। एक्सट्रायर करने के लिए आपसे पासवर्ड जरूर मांगा जाएगा, ठीक है, जो पासवर्ड आपको यहीं पर मिलने वाला है। प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, पासवर्ड आपको जरूर मिलेगा। प्लीज़ पासवर्ड के लिए कॉल, कमेंट या मैसेज ना करें, पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। पासवर्ड लगाने के बाद आप इस फाइल को एक्सट्रायर कर लीजिए। एक्सट्रायर करने के बाद आप देख रहे हैं ऊपर एक फोल्डर बन जाएगा इस तरीके का, ठीक है। इस फोल्डर को हमें ओपन करना है। दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपने अपने गलत पासवर्ड लगाया तो भी आपका इसी प्रकार का फोल्डर बन जाएगा, और उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर दोनों फाइलें नज़र आएगी और जिनका आकार होगा 0 KB। यहाँ पर आपको आकार दिखाई दे रहा है 11.65 MB और 12.95 MB, ठीक है ना। ये आकार 0 KB में होगा, अगर आप पासवर्ड गलत लगाएंगे तो एक्स्ट्रा हेयर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपका जो फाइलों का आकार है वो 0 KB होगा, वो 0 KB नहीं होना चाहिए। सही से एक्स्ट्रा हेयर करेंगे तो इस तरीके का फाइलों का आकार रहेगा, ठीक है। अब दोनों फाइलों को यहाँ से चुन लेते हैं, चुनने के बाद यहाँ से कॉपी पर क्लिक कर लेते हैं। कॉपी पर क्लिक कर लिया,
उसके बाद में हम जाते हैं मेन स्टोरेज में, ठीक है। उसके बाद में जाते हैं एंड्रॉइड फोल्डर में, ओबीबी फोल्डर, यहाँ से बस वाला जो फोल्डर है इसको हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में ये जो मेन फाइल है इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही है, ये फाइल जो है ओपन नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, और यहाँ से हम इस कॉपी वाले ऑप्शन को हटा देते हैं, ये कॉपी वाला ऑप्शन आ रहा है ना, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस फाइल को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं, मतलब थोड़ी देर क्लिक करके रखते हैं। उसके बाद में ओपन एज एचयू का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद में एसेट्स, बीन और डाटा, ठीक है, ये पूरा फाइल ओपन हो चुका है, लास्ट वाला डाटा वाला फाइल फोल्डर ओपन हो चुका है। उसके बाद में प्लस के निशान पर क्लिक कीजिए, ऊपर एक फोल्डर और फाइल का निशान आएगा, यहाँ पर फाइल वाले निशान पर क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और जेड एचयूआर का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे जाना है आपको डाउनलोड फोल्डर में, जहाँ पर हमने फाइल एक्स्ट्रा हेयर करके रखी है, यहाँ पर हमने ये फाइल एक्स्ट्रा हेयर करके रखी है स्पीड ब्रेकर वाली, इस फोल्डर को ओपन करते हैं। इसके अंदर ये दोनों फाइलें दोनों को चिन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो आपको बताने के लिए वीडियो बनाया गया। ऐड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर के लिए लाइन आएगी लोडिंग वाली, उसके बाद में आपके गेम में स्पीड ब्रेकर मोड लग जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि कौन से मैप्स में आपको स्पीड ब्रेकर मिलने वाला। तो ये जो स्पीड ब्रेकर आपने ऐड किए हैं कौन से मैप्स में आपको मिलेंगे, यहाँ से आप ध्यान से देखिए, मैं आपको यहाँ से मैप्स ओपन करके बता देता हूँ कि कौन से मैप्स में आपको ये स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप फ्री मोड में, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से मैप्स में आपको मिलेंगे। सबसे पहले वाला जो मैप्स है, शुरू से जो मैप्स शुरू होता है, जहाँ से PANDANG, ठीक है ना, ये वाला मैप्स चुनना है। उसके बाद में ये नेक्स्ट वाली सिटी चुननी है, उसके बाद में गो पर क्लिक करना है, ठीक है। सबसे पहले वाला मैप्स चुनना है। गेम को लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिए। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, ये मैप्स ओपन हो चुका है यहाँ से, और यहाँ से थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखते रहिए आपको किधर जाना है और कहां पर आपको स्पीड ब्रेकर मिलेंगे।